तक जिंदा रहूंगा मैं उनको भगवान मानूंगा, मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ। देखिए हमारे उस सर के ऊपर में उनका मूर्ति है, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझको तो व्यक्तिगत क्षति हुई, देश को और बिहार के लोगों को भी काफी क्षति हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के इस वक्त हम कार्यालय में हैं और यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर लगा है और आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की द्वितीय पुण्यतिथि है और ऐसे में उनके भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं तमाम लोगों से खुद मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दिन है आज क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान लोगों के बीच रहा करते थे। पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ हैं। सर कैसे आज याद कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को? सर पासवान जी हमारे बड़े भाई भी थे और मैं उनको भगवान भी मानता था और आज उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग इस चेयर पर हैं। पासवान जी देश के बड़े नेता माने जाते थे, शोषित दलित पिछड़ा अकलियत के वो बड़े नेता थे और इसीलिए उनको सेकेंड अंबेडकर की उपाधि दी गई और जिंदगी भर वो लड़ाई लड़ते रहे, गरीबों की लड़ाई लड़े। आप देखिएगा कि मंडल कमीशन लागू किया उन्हीं का है, आज जो टेलीफोन सब लोगों के हाथ में है वो उन्हीं का है। तो शोषित के लिए दलित के लिए वो शुरू से लड़ाई लड़ते रहे, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझको तो व्यक्तिगत क्षति हुई, देश को और बिहार के लोगों को भी काफ़ी क्षति हुई। आज दूसरा पुण्यतिथि है, इसके माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज पहली बार नहीं है जब आपने कहा है कि आप उन्हें भगवान माना करते हैं, आप पहले भी लगातार कहते रहे हैं कि वो भगवान। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं उनको भगवान मानूंगा, मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ। देखिए हमारे उस सर के ऊपर में उनका मूर्ति है, मैं रोज स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, तब मैं अंजल करता हूँ। अच्छा, वो रियल में हम लोगों के लिए भगवान थे और दलितों के लिए भी भगवान थे। उन्होंने जो कुछ भी किया है आज पूरे देश में उनकी कीर्ति है, इसलिए आज पूरा देश, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा देश आज उनका पुण्यतिथि मना रहा है। सर पिछले बार भी आपने कई मांगे रखी थी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, और आपने लगातार ये कहा है कि शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो क्या लगता है दलित की आवाज़ कौन सुनता है? दलित की आवाज़ कौन सुनता है? आज पासवान जी चूँकि दलित के सर्वमान्य नेता थे, आज काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, शुरू से लेकर जिस दिन से उनकी मृत्यु हुई उस दिन से मैंने दर्जनों बार बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने लिखित दिया, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहा लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो मैं हम समझते हैं कि दलित के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि दलितों के प्रति बिहार सरकार की रुचि नहीं है। सर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद आपकी जवाबदेही और बढ़ी, जिम्मेदारियां और बढ़ी, पार्टी संभालना, गरीबों की आवाज़ बनना और परिवार संभालना, आज कैसे देख रहे हैं सर? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम तीन भाई थे, बड़े भैया भी हमको छोड़कर चले गए, छोटे भैया भी छोड़कर चले गए, मैं पहले भी पार्टी में ही संभालता था, घर भी मैं ही संभालता था, आज मुझ पर पार्टी परिवार देश समाज की चिंता हो गई है। फिर भी ये संघर्ष है, ज़िंदगी तो संघर्ष का है, संघर्ष करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, तो गरीबों के लिए शोषितों के लिए संघर्ष करते रहे। इस संघर्ष में कई सवाल भी उठे हैं पशुपति कुमार पारस पर, परिवार के ही सदस्य। देखिए जो लोग काम करेगा उसके खिलाफ में वातावरण जाएगा, जो काम ही नहीं करेगा उसके खिलाफ आप क्या बोलिएगा? ट्रेन चलेगी तब तो एक्सीडेंट होगी, और ट्रेन यदि स्टेशन पर रुकी हुई है तो एक्सीडेंट होने का डर है। आपका इशारा कहीं और है मैं समझ रहा हूँ, उनसे पूछिए कि ये जो ऐसी नौबत क्यों आई, जिसने कि जिस किसी की बात आप कह रहे हैं उनसे आप पूछिए कि ऐसी नौबत क्यों आई, जबकि तीनों भाई में अपार प्रेम स्नेह था हम लोगों का और पासवान जी के मृत्यु के तुरंत बाद परिवार टूट गया, दिल टूट गया, दल टूटा उसकी चिंता मुझको नहीं है लेकिन दिल टूट गया उसी समय से। हाँ वो दिल अब जुटेगा कि नहीं जुटेगा भविष्य में मुझको पता नहीं, दिल ये भी करे आपकी जुटेगा या नहीं नहीं बात सही नहीं बात सही है। अब मान लीजिए आज हम यहाँ मना रहे हैं चिराग पासवान जी सार्वजनिक मना रहे हैं,
चिराग पासवान जी ने जो सर्वनी मना रहे, आज यहाँ आज यदि परिवार एक होता, दल एक होता, दिल एक होता तो एक जगह मनाते। ये दिल टूटने की बात नहीं हुई तो और क्या हुआ, चाहे गलती चिराग पासवान जी को हो, गलती हमारी हो, लेकिन दिल तो टूटा, परिवार तो टूटा। घर के मुखिया तो आप हैं, कोशिश करेंगे। यदि मुखिया चिराग पासवान जी मुझको मान लेता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अच्छा, आप परछाई की तरह रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ, हमेशा देखा गया आपको, हर चीज़ों में बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया और आपने पार्टी को भी बेशक मजबूत किया, घर को एकजुट रखने की कोशिश की। वो बातें जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे पार्टी को लेकर, परिवार को लेकर, आज वो चीज़ साझा करेंगे, कुछ बातें जो उनकी याद हों। उनकी बहुत सी बातें याद है। वो सबसे पहली बात तो यह है कि वो गरीब के प्रति उनकी सहानुभूति थी। वो कहते थे कि देखो, बगीचा का माली सबसे अच्छा वही होता है जिसके बगीचा में सब तरह का फूल खिले, अरहुल का फूल भी मिले, गुलाब का फूल भी खिले, खींचे। वो कहते थे, शुरू से कहते थे कि बगीचा का माली वही होता था जो सबसे अच्छा होता था। बचपन से उनके साथ हम लोगों ने रहा है और वो खाने के बड़े शौकीन थे, कपड़ा के शौकीन थे और गरीब के प्रति उनको बहुत हमदर्दी थी। वो एक साधारण से साधारण आदमी भी उनसे मिल लेता था, टेलीफोन पर बात कर लेता था और सबों की वो काम करते थे। बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उतने बड़ा नेता होने के बावजूद ही इतना सीधा इंसान आपको नहीं मिलेगा। आप भी तो सर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोगों के बीच ही रहते हैं। अब मंत्री संतरी तो बनते रहता है लोग, देखिए ये तो वो अस्थाई कुर्सी नहीं है, ये अस्थाई कुर्सी तो बहुमत का खेल है। मंत्री कल कोई भी बनता है, लेकिन मंत्री बनने के बाद उस पद की गरिमा को आपको बरकरार रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस चेयर को बिलोंग करते हैं उस चेयर की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो भारत सरकार के मैं मंत्री हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो हमसे कोई व्यक्ति दुखी होकर नहीं जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमसे दिन भर में 500 व्यक्ति मिला तो 500 व्यक्ति का काम हो जाएगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो यदि हमारे पास में आए तो प्रेम से उनको बैठाइए, एक कप चाय पिलाइए, एक गिलास पानी पिलाइए, जो उनका गिरभांशेष है उनको बता दीजिए, समझा दीजिए, तो उससे वो बेचारे खुश होकर चले जाते हैं। यही हम लोग करते हैं। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस जी को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे थे कि गरीब वंचित शोषित की आवाज़ थे रामविलास पासवान और उनके बताए हुए रास्ते पर ही वो चल रहे हैं और लगातार लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।